बड़कागांव प्रखंड अंतर्गत गोंदलपुरा पंचायत में एनटीपीसी बादम कोल खनन परियोजना के अधिकारियों के द्वारा रोड सर्वे का कार्य किया जा रहा था। सूचना मिलते ही बादम गोंदलपुरा बलोदर हाहे के स्थानीय ग्रामीण अदानी कोल खनन परियोजना के विरुद्ध सतत 497 दिनों से आज धरना स्थल पर डटे हुए हैं। वहीं धरना स्थल से जाकर सर्वे का कार्य को रुकवाया। ग्रामीणों ने कहा कि कंपनी के कोई भी कार्य को करने से पहले ग्राम सभा की स्वीकृति लेनी होती है, बिना ग्राम सभा किए हुए ये सर्वे का कार्य कैसे कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने अधिकारियों को इसकी सूचना देते हुए उन्हें हिदायत दी गई कि आगे का कार्य करने से पहले ग्राम सभा को इसकी सूचना दें, अन्यथा आप क्षेत्र में काम करने के लिए ना जाएं। आज तक एनटीपीसी बादम कोल खनन परियोजना के लिए कोई ग्राम सभा पारित नहीं हुई है, ना ही ग्रामीणों से कोई सहमति बनी है और ना ही कंपनी के ग्रामीणों ने जमीन दिया है। कंपनी जोर जबरदस्ती से बंदूक के नोक पर ग्रामीणों के जमीन को लूटने का काम कर रही है। ग्रामीणों के द्वारा सतत धरना स्थल पर अधिकारियों को इज्जत से बिठाकर उन्हें सारी जानकारी दी गई, साथ ही डायरी में अधिकारियों के द्वारा हस्ताक्षर कर उन्हें बड़कागांव पुलिस के समक्ष इज्जत के साथ जाने को दिया है। मौके पर मुखिया वासुदेव यादव ने कहा कि कोई भी कार्य करने से पहले ग्राम सभा की मंजूरी ली जाती है, लेकिन प्रतिनिधि होने के नाते मुझे इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। कंपनी मनमाने तरीके से सर्वे कर कार्य कर रही थी, जिसका ग्रामीणों ने भारी विरोध किया। बड़कागांव से राजेश कुमार की रिपोर्ट।